morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic, actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall discuss set number 19. So let's start. Question number first. Tennyson died in 1892. J.E. Henry and G.S. Fraser were the founders of the answer is apocalypse poetry. Who is an apocalyptic poet? Answer is, इसमें Dylan Thomas दिया है, W.S. Graham, George Barker. Answer is all of the above. D answer सही है, all of the above. Question number 4. Such plays Man and Superman has acts. कितने acts हैं इसमें? 4. Question 5. Invisible Man 1952 is a novel by Ralph Ellison. एक है द इनविजिबल मैन, वो आपको जानते हैं एच जी वेल्स ने लिखा है, और ये इनविजिबल मैन है, ये 1952 में आया है, ये राल्फ एलिसन ने लिखा है, ये नेट क्वेश्चन में कई बार आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 6. इन व्हिच पोएम टी एस एलियट कंपेयर्स द इवनिंग टू ए पेशेंट एंथराइज्ड अपॉन ए टेबल. बहुत फेमस लाइन है, बहुत शानदार, एक्सीलेंट लाइन. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड्स प्रूफ्रॉक, ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है, लाइक ए पेशेंट एंथराइज्ड अपॉन ए टेबल. क्वेश्चन नंबर 7. हु फाउंडेड द आयरिश नेशनल लिटरेरी सोसाइटी. आंसर इज डब्ल्यू ईस्ट. क्वेश्चन नंबर 8. हु इज नोन एज द क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन. आंसर इज टी एस एलियट. क्वेश्चन नंबर 9. ऑडिपस आ ट्रेजेडी वॉज रिटन बाई सोफोकल्स. क्वेश्चन नंबर 10. आ रीड सेकन बाई द विंड वॉज रिटन बाई. आंसर इज डब्ल्यू बी ईस्ट. क्वेश्चन नंबर 11. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लो स्टैंडर्ड ऑफ द मॉरल्स ऑफ द इंग्लिश पीपल वॉज द पर्पज ऑफ. आंसर इज मैथोडिस्ट. क्वेश्चन नंबर 12. ऑफ हुइच प्ले द बैकग्राउंड इज द हिस्टोरिक वॉर बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया. आंसर इज आर्म्स एंड द मैन. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन आर्म्स एंड द मैन. आंसर इज 3. कैच 22 1961 में आया था, इज ए नावल बाई जोसफ हेलर. क्वेश्चन नंबर 15. यूलिसीज इज ए प्ले बाई स्टीफन फिलिप्स. क्वेश्चन नंबर 16. यूलिसीज इज ए नावल बाई जेम्स जॉयस. क्वेश्चन नंबर 17. टू डी एच लॉरेंस व्हिच ऑफ हिज ओन नावल इज वेरी वेरी मॉरल. आंसर इज लेडी चार्टलेलिस लवर 1928. इन व्हिच पोएम ऑफ टी एस एलियट द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर. माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक. आंसर इज द बेस्ट लैंड 1922 में पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द बेस्ट लैंड. आप जानते हैं 5. कंगारू 1923 इज ए नावल बाई डी एस लॉरेंस. ईस्ट द लेक आइल ऑफ इनस्पिरी इज ए लिरिक. टी एस एलियट्स द बेस्ट लैंड एंड जेम्स जॉयस यूलिसीज अपीयर्ड इन द सेम ईयर, दैट इज 1922. कैप्टन बेलंसली इज ए करेक्टर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन. हु इज ए नॉट ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक. इसमें से मार्क्सिस्ट क्रिटिक कौन नहीं है? राल्फ फॉक्स हैं, अर्नॉल्ड कैटल हैं, एलिस बेस्ट हैं, एलिक बेस्ट भी हैं, तो विल्सन डूलाइट ये नहीं है, एलिसन विल्सन डूलाइट ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25. जी बी शाह बॉर्न इन 1856 डाइड इन द ईयर. आंसर इज 1950. क्वेश्चन नंबर 26. टी एस एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन इन. आंसर इज 1935. क्वेश्चन नंबर 27. आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट. आंसर इज जी बी शाह. क्वेश्चन नंबर 28. हु डेयर्ड टू से आई राइट प्लेस विद द डेलिबरेट पर्पज टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन. आंसर इज जी बी शाह. क्वेश्चन नंबर 29. व्हिच वन इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई डब्ल्यू बी ईस्ट. आंसर इज अ विजन 1925. क्वेश्चन नंबर 30. इट्स अ विजन इज ए प्रोजवर. क्वेश्चन नंबर 31. हु कॉइंड द टर्म इमेजिज्म. आंसर इज एजरा पाउंड. क्वेश्चन नंबर इमेजिज्म वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द. आंसर इज जॉर्जियंस. हु हैड ए बिलीफ इन द लाइफ फोर्स. आंसर इज जी बी शाह. व्हिच इज नॉट ए पोएम बाय एलियट. द वेस्ट लैंड है इनका पोएम. हॉलोमैन ये भी है. फोर क्वार्टर्स ये भी है. मर्डर इन द कैथेड्रल ये इनका नहीं है. ये इनका मतलब पोएटिक है, ड्रामा
पोएट्रिक ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 35, इन साज मैन एंड सुपरमैन हु राइट्स द रिवोल्यूशनरीज हैंडबुक, आंसर इज जॉन टेनर। क्वेश्चन नंबर 36, जॉन टेनर इज ए करेक्टर इन द प्ले, जॉन करेक्टर जो है किस चीज़ में है, मैन एंड सुपरमैन। हु मेक्स ए थियरी ऑफ टेंशंस, टेंशंस टी ई एन एस आई ओ एन एस, आंसर इज एलन टेट। क्वेश्चन 38, हु गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सचर, आंसर इज रैंसम। क्वेश्चन 39, जीबीसा रोट द एप्पल कार्ट इन 1929। क्वेश्चन नंबर 40, हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, तो आप जानते हैं कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच वन इज नॉट बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, कौन सा इसमें नहीं है, द सन आल्सो राइजेज है इनका, मैन बी मैन, मैन विदाउट वीमेन वो भी है, ए फेयर वेल टू आर्म्स से भी है, द सिल्वर कार्ड ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, द पोएम शिकागो इज रिटन बाई, आंसर इज कार्ल सैंडबर्ग। क्वेश्चन 43, व्हिच वन इज नॉट इज नॉवेल बाई विलियम फॉकनर, आंसर इज द ग्रेट गैट्सबी 1925। क्वेश्चन नंबर व्हिच वन हैज़ बीन रीड एज ए प्रोलेटेरियन इपिक, तो प्रोलेटेरियन इपिक इसमें कौन है, विलियम फॉकनर्स का है लाइट इन अगस्त, यह आया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द जेंटिल ट्रेडिशन, आंसर इज ट्रम्बल स्टेक्सनी, स्टेक्नी। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज नावेल द ओल्ड मैन एंड द सी, आंसर इज सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर 47, एब्सालम एब्सालम नावेल बाई विलियम फॉकनर अपीयर्ड इन, यह आया था 1938 में। हु सेड बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत फेमस लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इसको पंडित नेहरू जी भी बहुत पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 49, हु सेज बर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए ग्रेट पैट्रियोटिक पोएम बाय फ्रॉस्ट, आंसर इज द गिफ्ट आउटराइट। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर 50 क्वेश्चंस एंड लास्ट सेट 20 मॉडल सेट आई विल गिव वीडियो इन नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक्स।